सस्ता टमाटर अब भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना, मंडी में सस्ता फिर भी रिटेल में महंगा बिक रहा टमाटर। महंगाई का असर होटल रेस्टोरेंट के मेन्यू पर भी पड़ा, महंगे हुए फूड आइटम्स और थाली। पूर्वी दिल्ली में आप और कांग्रेस नेता बिल पास होने से नाराज, बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने कहा अब पारदर्शिता से अधिकारी कर सकेंगे काम। अनुज आत्रेय ने कहा सत्ता ही इनका एकमात्र उद्देश्य। 6 साल की बच्ची से सहेली के पिता ने किया रेप, बिल्डिंग में रहने वाली सहेली के घर खेलने जाती थी बच्ची। पुलिस ने पॉक्सो की धारा में केस दर्ज कर बच्ची की काउंसलिंग कराई, आरोपी गिरफ्तार। G20 के चलते सड़कों से हटाए गए कोचिंग सेंटर्स के होर्डिंग्स, सुरक्षा इंतजामों को लेकर इनकी ढीला ढवाली अब भी जारी। पतली पतली गलियों में चलाए जा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स। शास्त्री पार्क में एक युवक की डूबने से मौत, बाढ़ के पानी में नहाने गए थे 4 युवक, 3 युवक डूबते समय किसी तरह बाल बाल बचे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास, मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। पिछले काफी समय से लोग 200 से 250 रुपए किलो तक टमाटर खरीदने को मजबूर थे। कई लोगों ने तो अपने किचन से टमाटर को अलविदा भी कह दिया था, क्योंकि इतना महंगा टमाटर खरीदने की हिम्मत आम मध्यम वर्गीय लोगों में नहीं थी। अब टमाटर कुछ सस्ता जरूर हुआ है, मगर अब भी ये 160 से 180 रुपए किलो तक बिक रहा है, जो कि एक आम इंसान के लिए अब भी काफी महंगा है। अगर थोक मंडी की बात करें तो यहाँ टमाटर के दाम 100 से 120 रुपए किलो हैं, यानी यहाँ भी दाम ज़्यादा ही हैं, जिसकी वजह से रेहड़ी पटरी पर भी टमाटर सस्ता नहीं हो पा रहा है। फिलहाल टमाटर के दाम कब तक कम होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सब्जियाँ ज़रूर सस्ती हुई हैं। मंडी में 160 रुपए किलो। 160 रुपए, कहाँ से लाते हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से, तो महंगा है। कौन सा टमाटर सबसे महंगा है, बॉम्बे या फिर देसी? दोनों एक ही रेट है। अब वो देखेंगे अब आगे में कैसा होगा। हाँ, हाल का हुआ है। तोरी सस्ता हो गया 50 रुपए किलो, और ऐसा भिंडी सस्ता हो गया 60 रुपए किलो। टमाटर 180 रुपए किलो है। हाँ, पहले से थोड़ा हल्का हुआ है। हाँ, उम्मीद है कि अब नई फसल तैयार हो गया है तो आपको 15-20 दिन में और रेट कम हो जाएगा, पहुँच जाएगा 60-70 रुपए तक आ जाएगा। आवाजाही हो रही है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन सस्ता हुआ है थोड़ा बहुत। तो मौसम वाला तो वो बारिश की वजह से महंगा हुआ था, बाकी सब तोरी भिंडी तभी सही हो गई है। टमाटर का रेट वही बढ़ रहा है, अभी घट रहा है नहीं, हमेशा ही कभी 10 रुपये, कभी खरीदारी रेट में देना पड़ जाता है। कोई सामान लिया 500-700 का, तो कभी खरीदारी रेट में भी देना पड़ता है। महीना से ज़्यादा दिन हो गया जी, जब से बरसात हुआ हो तब, अभी आगे हो सर्दियों में जब नया फसल आएगा तो कहीं हो जाएगा सस्ता। हाँ, 100-150 तक पहुँचेगा, उम्मीद है पहुँच जाएगा। मौसम और फ्रेश रहा, बारिश नहीं हुआ, 150 तक तो आ ही जाएगा। क्या नाम है, 180 भी बेचते हैं, 200 भी बेचते हैं, जैसे छांट। अच्छा। होती है इसमें पहली छांट, दूसरी छांट, तीसरी छांट। अच्छा, हाँ जी, 180 भी देते हैं। वहीं टमाटर के दाम बढ़ने से उसका असर रेस्टोरेंट के मेन्यू के प्राइस पर भी पड़ा है, जहां लागत ज्यादा आने की वजह से फूड आइटम्स के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने रेस्टोरेंट संचालकों और कस्टमर्स से बात की। रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि बहुत परेशानी हो रही है, प्राइस हाई होने की वजह से हर चीज़ में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पहले 3,000 में मेरा सारा काम हो जाता था, लेकिन अब 10,000 में सारा काम हो पाता है। वहीं लोगों ने बताया कि पहले हफ्ते में 4 बार रेस्टोरेंट जाते थे, लेकिन अब लगता है कि एक ही बार रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से टमाटर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और बाकी सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, ऐसे में लगता है कि खाने में भी पाबंदी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब एक थाली भी बहुत महंगी पड़ रही है। इससे बहुत चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि टमाटर के बगैर कोई भी चीज़ नहीं होता है आज के किचन लाइन में, और इस महंगाई से आम जनता भी परेशान है, हम लोग खुद किचन वाले भी परेशान हैं। और टमाटर महंगे होने के कारण हम लोग हर चीज़ में, हर सामान में, हर खाने का जो वेरिटी उसमें हम लोग कम यूज करेंगे। टमाटर जैसे सस्ता होगा तो वैसे हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, उसका स्वाद भी बनेगा। और टमाटर के बगैर तो किचन का कोई भी मटेरियल बनता नहीं है। कि आजकल आप देख रहे हैं कि टमाटर के रेट बहुत हाईएस्ट हो गए हैं, जिससे कि बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, जैसे कि प्राइजेस बहुत हाई हो गए हैं और सब्जियों के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, जो कि कभी 3,000 की आती थी तो अभी 10
10,000-8,000 ऐसे सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, रोज का मतलब ये है, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आज टमाटरों के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट के रेट बढ़ चुके हैं। जब हम अपने परिवार लेके महीने में 4 दिन रेस्टोरेंट में खाना खाते थे तो हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती थी, और आज महीने में एक बार ही खा रहे हैं। जो महीने में एक बार ही खा रहे हैं डबल रेट हो गया है। पहले खाते थे उसमें हम 4 हफ्ते पूरे खा लेते थे जी, मगर अब अगर टमाटर मांगो तो पैसे बढ़ाते हैं। सलाद में टमाटर गायब है, सब्जियों में टमाटर गायब है, कहाँ जाए पूरा परिवार। जैसे जो घर में भी हम खाना बनाते हैं तो बड़ा सोच समझ के बनाना होता है, कि इवन मैं अज्यूम कर रही थी कि घर पे गेस्ट आते हैं और खाना एक क्वांटिटी में बनता है, उस टाइम टमाटर यूज़ किए जाएं, तो एक खाने की जो कॉस्ट होती है, एक नॉर्मल जो घर में सब्जी बनती है उसकी भी अराउंड 400-500 के अराउंड घर में ही पड़ेगी। तो बाहर तो खाना महंगा होगा ही, बाहर भी खाना महंगा हो चुका है। सब्जी टमाटर जो है वो बेसिक एक सब्जी है जिसको हर सब्जी में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और काफ़ी क्वांटिटी में भी ये डलता है। पर अब जो जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं उसमें हमने क्वांटिटी घर पे भी मैंने बहुत कम कर दी है, कि रेयरली मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो मैंने 1 किलो टमाटर का यूज़ भी उसको हफ्ते भर 10 दिन ऐसे चलाया। लोक सेवा बिल लोकसभा में पास हो जाने से पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता नाराज हैं। बीजेपी के नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि अब दिल्ली की जनता का पैसा बेकार के विज्ञापनों, शीश महल, शराब के ठेकों जैसे घोटालों में खर्च नहीं होगा। 6,000 करोड़ खर्च होने के बावजूद यमुना मैली हो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि केजरीवाल की मनमानी नहीं चलेगी और पारदर्शिता से अधिकारियों को काम करने का मौका मिलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अतुल गुप्ता का कहना है कि हम लोक सेवा बिल का विरोध करते हैं, केंद्र सरकार ने LG पर अपना वर्चस्व कर लिया है, केंद्र ने राज्य के अधिकारों पर अपना वर्चस्व बनाने का काम किया है, दिल्ली की जनता की उम्मीदों का गला घोटने का यह काम है। वहीं कांग्रेस नेता अनुज आत्रेय का कहना है कि सत्ता ही इनका एकमात्र उद्देश्य है, इससे चुनी हुई सरकार के और जनता के अधिकारों का हनन होगा। दिल्ली की जनता की एस्पिरेशंस का गला घोटने का ये काम है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। हम उस नंबर गेम के आगे नहीं जीत सकते, लेकिन कोई बात नहीं, दिल्ली की जनता आगे आने वाले चुनाव में केंद्र सरकार को इस चीज का बदला देगी। जब जब जुल्म ही जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। हमने ठान लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को किसी जगह भी जीतने नहीं देंगे, सब जगह अब हम ही जीतेंगे और हम दिल्ली की जनता के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे, चाहे जितने भी अधिकार हैं हमारे पास उन अधिकारों के साथ। दिल्ली की जनता को लोक सेवा बिल लोकसभा में पारित हो जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ा लाभ दिल्ली वासियों को ये होगा कि अब दिल्ली का पैसा बेकार के विज्ञापनों में नहीं बर्बाद होगा, शीश महल में बर्बाद नहीं होगा, शराब के ठेके देने में घोटाले नहीं होंगे, केजरीवाल की मनमर्जी नहीं चलेगी, 6,000 करोड़ खर्च चुकने के बाद भी यमुना मैली रहे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब केजरीवाल की मनमर्जी नहीं चलेगी, पारदर्शिता से अफसरों के ऊपर रूल लागू होंगे, उनका स्थानांतरण, उनकी ड्यूटी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत पारदर्शी तरीके से होगी। देखिए, बीजेपी ने कल पार्लियामेंट से ये दिल्ली सर्विसेज बिल को पास करा लिया है और एक कानून का रूप दे करके अपनी मानसिकता को स्पष्ट तौर पर दर्शा दिया है कि सत्ता ही केवल एकमात्र इनका उद्देश्य है। अगर ये चुनाव से नहीं जीत करके आते हैं, जनता इनको नहीं जिताती है, तो या तो ये अनैतिक रूप से सरकारें गिरा करके वहां पर अपनी सरकार गिराते हैं, खरीद फरोख करके गिराते हैं, राजभवन का मदद लेकर के गिराते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विधायकों के जो है हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, या अब ये नया चीज देखने में आया है कि चुनी हुई सरकार जिसको लोकतंत्र में संविधान अधिकार देता है, जनता इसी अपेक्षा से सरकार को चुनती है, विधायकों को चुनती है कि उनका सरकार मंत्री आएंगे तो उनके काम होंगे, लेकिन ये बिल पारित करने से सरकार के अधिकारों का, केंद्र सरकार का अनावश्यक रूप से इसमें हस्तक्षेप होगा। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि पार्टियां आती जाती रहती हैं लेकिन सरकारें स्थायी रहती हैं। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले 15 साल हमारी सरकार थी, 5 साल बीजेपी की सरकार थी, 2025 में फिर चुनाव है, फिर किसी और की सरकार होगी। तो जनता के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार की अनावश्यक रूप से दखलंदाजी राज्य सरकारों में होगी तो कार्य बाधित होगा और टकराव बढ़ेगा। सीलमपुर में एक शख्स ने बेटी की 6 साल की सहेली को अपनी हवस का शिकार बना लिया, दुष्कर्म के बाद किसी को कुछ भी बताने पर हत्या की धमकी दी। वारदात से बच्ची बुरी तरह सहम गई। बच्ची के गुमसुम होने पर परिवार को शक हुआ।
बच्ची ने मां को आप बीती सुनाई। इसके बाद मां की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा में FIR दर्ज की। बच्ची की काउंसलिंग करवाई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता परिवार के साथ सीलमपुर थाना क्षेत्र में रहती है। परिवार में माता पिता और अन्य सदस्य हैं। वह निगम स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ाई करती है। जिस बिल्डिंग में पीड़िता रहती है उसी में उसकी सहेली भी अपने परिवार के साथ रहती है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी पिछले कुछ दिनों से गुमसुम थी, न ठीक तरह से खाना खा रही है, न खेलने जा रही थी। मां ने जब उससे इसकी वजह पूछी तो बच्ची ने डरते डरते बताया कि जब वह सहेली के घर खेलने जाती है, सहेली के पिता किसी बहाने से अपनी बेटी को घर से बाहर भेज देते थे, अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करते थे। 3 से 4 बार उसके साथ अलग अलग दिन दुष्कर्म किया गया। दिल्ली के मुखर्जी नगर की आग लगने की घटना के बाद कोचिंग सेंटर्स पर गाज गिरनी शुरू हो गई। कोचिंग सेंटर्स की फायर NOC से लेकर निकास के रास्ते तक को देखा जाने लगा है, लेकिन अब भी कोचिंग सेंटर्स पतली पतली गलियों में चलाए जा रहे हैं। एक अरसे से लक्ष्मी नगर में चल रहे कोचिंग सेंटर्स, लेकिन सुरक्षा इंतजामों को लेकर इनकी ढीला ढवाली अब भी जारी है। G20 के मद्देनजर कोचिंग सेंटर्स के होल्डिंग्स जो सड़कों पर लगे थे उन्हें हटा दिया गया है। G20 के तहत वहां काम चल रहा है, पर अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज लक्ष्मी नगर में इतने कोचिंग सेंटर हो चुके हैं कि इनके एक प्रकार पूरा हब बन चुका है लक्ष्मी नगर कोचिंग सेंटरों का, और सुविधाओं के नाम पर यहां पर कोई भी किसी तरह की कोई सावधानी नहीं बरती जाती है नियम कायदों की। इन कोचिंग सेंटर पर कोई परवाह नहीं है। कोचिंग सेंटर में निकासी और आवागमन का रास्ते बहुत छोटे बनाए जाते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं होती है इनके पास में जो आराम से आ जा सके आराम से। ये साथ ही कोचिंग सेंटर के बगल में कोई बराबर में कोई रेहड़ी वाला, पटरी वाला, कोई कढ़ाई में, कोई गर्म तेल में, कोई पकौड़े बना रहा है, कोई समोसे बना रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें चली जा रही हैं। अगर अनहोनी कोई घटना हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि शहर को बचाव हो पाए। लक्ष्मी नगर में कोचिंग सेंटर की कोई लिमिट नहीं है, और छोटे छोटे कोचिंग सेंटर छोटे छोटे कमरों में खोल रखा है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वो जब कोचिंग सेंटर से निकलते हैं, जो सड़क है, सड़क बहुत ही छोटी है, उसमें ठेले वाले भी सामान पकवान जो है वो गर्म पकौड़े वकड़े बनाते हैं। थाना शास्त्री पार्क इलाके के 0 पुश्ता रोड पर बाढ़ के पानी में नहाने गए 4 किशोर में से एक की डूबने से मौत हो गई। 3 किशोर डूबते समय किसी तरह पानी से बाहर निकल आए, लेकिन एक किशोर डूब गया। घटना करीब 5:20 की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़के को बाढ़ के पानी से बाहर निकाला और जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद लड़के को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 19 साल की रवि के रूप में हुई है। 17:20 पे कॉल मिली थी हमें, और डूबने वाला एक बताया था, वैसे चार आदमी है पर 3 निकल गए, वो एक उसमें रह गया। अच्छा, 3 लोग डूबे थे, निकल गए? चार लोग थे। हाँ, 4 थे, 3 निकल गए। हाँ, एक डूब गया। एक डूब गया, कैसी हालत है सर? हालत चिंताजनक है, पर मेरे ख्याल से डेड है। ये है 0 पुस्ता साथी पर। शाहदरा जिला की साइबर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में झारखंड से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने छापेमारी कर देवघर झारखंड के रहने वाले 21 साल के आरोपी प्रवीण पोद्दार को गिरफ्तार किया। पोद्दार ने खुलासा किया कि उसने पिछले 2-3 महीने से ऐसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियां शुरू की थीं। पीड़ितों के साथ की गई सभी चैट भी उसके फोन से बरामद कर ली गई। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने जुए के मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी विश्वास नगर इलाके की NSA कॉलोनी में हुई। इस मामले में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने DCP रोहित मीणा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यह कुछ दिन पहले सक्रिय हुआ था, जिसके बाद स्पेशल स्टाफ ने इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से 21,756 रुपए के साथ साथ पर्चियां और कई सामान भी बरामद हुआ है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए जिले के कप्तान रोहित मीणा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत। हमें कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गली नंबर 6 विश्वास नगर में कुछ पर्ची वाला सट्टा चल रहा है। इस पर तुरंत हमारे ACP गुरदेव सिंह और इंस्पेक्टर विकास की टीम ने रेड करी, और वहाँ पे हमें 15 लोग मिले, और जिनसे 21,760 रुपये मिले, और पर्चियाँ और जो सट्टा कराने का सामान भी रिकवर हुआ, और हमने इसमें केस रजिस्टर करके इनको पकड़ लिया। अभी रिसेंट ही स्टार्ट हुआ था, और इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे जो अलर्ट स्टाफ था उसको मिल गई थी, और उसने तुरंत इसमें फिर इस तरह से रेड करी और इस पर सफलता पाई। सर, क्या क्या इनसे बरामद हुआ?
इसमें 21,760 रुपये रिकवर हुए। कई सारी जो पर्चियां जो जो लिखी थी वो सट्टे की वो रिकवर हुई, साथ ही साथ जो पर्ची लिखाने का जो बोर्ड था और चरखी थी वो सब भी हमने रिकवर किया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीएसएन लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में खुद को दिल्ली पुलिस का साइबर क्राइम का ACP बताकर मोबाइल कारोबारी को जेल भेजने की धमकी देकर 20,000 रुपये ठगने का मामला सामने आया है। नकली पुलिस वाले ने हाथ में वॉकी टॉकी भी लिया हुआ था। पीड़ित के अनुसार 3 लोग उसकी दुकान में आए और चोरी के मोबाइल का लॉक खोलने के नाम पर उसे जेल भेजने की धमकी देकर 20,000 रुपये ऐंठ कर फरार हो गए। घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार कुछ समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ, तब तक तीनों ठग उसे चूना लगाकर मौके से फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच में जुटी है और नकली दिल्ली पुलिस की तलाश तेज कर दी है। मेरे साथ जो हुआ है फ्रॉड हुआ है, पुलिस के उसमें बन के आए हैं लोग जो जिन्होंने अपने आप को साइबर क्राइम से बताया, हम साइबर क्राइम वाले हैं और मोबाइल की वारदात को अंजाम देते हुए लोग के काम में उन्होंने मुझे फंसाया है कि तू लॉक खोलता है, चोरी के फोन का लॉक खोला तूने और तेरा फोन ट्रेस हुआ है। ऊपर से उन्होंने हमसे क्या नाम है फंसा करके हमसे अपनी बातों में उलझा करके हमसे 50,000 रुपये की डिमांड करी है। 50,000 की डिमांड के बाद वो 20,000 रुपये आए हैं। 20,000 में हमारी बात हो गई कि 20,000 ले लो हम चले जाते हैं, आप 20,000 रुपये दे दो, हमसे वो 20,000 रुपये लेके गए। फोटेज हमने चेक करवाइए तो पता लगा कि वो पुलिस वाले नहीं थे, वो फ्रॉड था और मेरे को पूरे एक सरिया था उनको जाल में फंसाने का मिल गया। कितने लोग थे टोटल? सर 4 लोग थे जिसमें एक लड़का था वो हमारे इधर का ही था और जिसमें से 3 लोग थे जो अपने आप को पुलिस वाले साइबर क्राइम बता रहे थे, उसमें से एक ने बताया कि मैं अपने ACP हूँ। मंडावली के मंडल अध्यक्ष ने आज अपने कार्यालय में मयूर विहार के नए जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। BJP के कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ढोल नगाड़े, फूलमाला और पार्टी के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर नए जिला अध्यक्ष ने बताया कि सभी के प्रयासों से वे जिलाध्यक्ष बने हैं, इलाके में जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की दिशा में तुरंत जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव ने बताया कि आज उन्हें काफी खुशी है कि उनके कार्यालय में मयूर विहार के नए जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह धामी आए। धामी को उनका और पार्टी का पूरा समर्थन है। देखिए हमारे यहाँ एक व्यवस्था है पार्टी में, हर 3 साल बाद कोई नया कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बनता है और हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि अन्य पार्टियों में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सबके सर्वसम्मति से अध्यक्ष को चुना जाता है और उसी व्यवस्था के तहत मुझे पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है और सभी कार्यकर्ता हमारे यहाँ एकजुट होकर काम करते हैं। हमारे इस जिले में 18 मंडल हैं और सभी कार्यकर्ताओं को मैंने विश्वास दिलाया कि हम सब लोग मिलकर साथ काम करेंगे। देखिए मंडावली मंडल हमेशा अग्रणी रहा है, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, निगम चुनाव हुआ, उसमें भी यहाँ से लगातार जीत मिली और 4 बार से लगातार जीत रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी साधारण से साधारण कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देती है, उस प्रकार से ही आज जिलाध्यक्ष जी का भी चयन यहाँ पे हुआ है और मैं जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जिस प्रकार से हमारा जिला अग्रणी होकर आगे बढ़ रहा है उसको और नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। मंडावली मंडल और मेरी पूरी टीम जिलाध्यक्ष जी को अपना पूरा समर्थन देती है और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करेंगे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। लोगों के बीच में बहुत उत्साह है। देखिए एक तो जो पार्टी है वो सबको साथ लेके चलती है, उसके साथ देखिए हमारी पिछली बार जो वोट कटे उसमें थोड़ा हमें नुकसान तो हुआ, मगर जो इस बार हमारी जो भी हम कार्यालय खोल रहे हैं जगह जगह, इसीलिए कि लोगों के बीच मैसेज जाए कि हम कितने तत्पर से काम कर रहे हैं और अपने वोट बना रहे हैं, उनको भी ये ज्ञान होगा कि इन लोगों ने जान के हमारे वोट कटवाए और उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वोट कटवाए थे। तो इस चक्कर में हम जो कार्यालय खुल रहा है अब अपने जिलाध्यक्ष जी की बहुत बहुत बधाई करते हैं, बहुत पुराने हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे जमीनी कार्यकर्ता जो ग्रास लेवल से उठे और आज जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने बनाया और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, जहाँ जमीनी कार्यकर्ता बिल्कुल बूथ स्तर के कार्यकर्ता को यहाँ जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, इस तरह भारतीय जनता पार्टी में संभव होता है। दूसरे दलों में परिवारवाद और पीढ़ीवाद चलता है, पर यहाँ पीढ़ीवाद परिवारवाद नहीं चलता, यहाँ कामवाद चलता है और जो काम करता है वो आगे बढ़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।